महाराजगंज कस्बा स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में एक प्रेमी जोड़े का विवाह ग्रामीणों ने बड़ी धूमधाम से किया, जहां इस विवाह को देखने वालों का तांता लगा रहा। वहीं बेड़ा उठाए ग्रामीणों के इस पहल की क्षेत्रीय लोगों ने भरपूर सराहना की। बताते चलें कि मंगलवार को राम जानकी मंदिर परिसर में एक अनूठा वैवाहिक अनुष्ठान सम्पन्न हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े के परिवारों को रजामंद कर दो प्रेमियों को मिला मोहब्बत की मिसाल पेश की। मामला क्षेत्र के हसनपुर गांव का है, जहां के निवासी कल्पना उम्र 20 वर्ष पुत्री हंसराज का भवानीगढ़ निवासी सूरज उम्र 23 वर्ष पुत्र दुखी के बीच प्रेम चल रहा था, किंतु दोनों ही पक्ष के परिजन इस रिश्ते के खिलाफ थे, जिससे आगे जाकर लड़के लड़की ने क्षेत्र के मोन गांव स्थित ओरीदास बाबा मंदिर में ईश्वर को साक्षी मान प्रेम विवाह कर लिया, जिस पर लड़के पक्ष ने लड़की को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया, किंतु परिजनों ने उसे ना अपनाते हुए घर से निकाल दिया। इस दौरान दीपावली को लड़की पुनः अपने प्रेमी के घर पहुंच गई, जिस पर लड़के पक्ष वाले पुनः लड़की को लेकर उसके घर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात गांव के ही समाज सेवी आदित्य श्रीवास्तव से हुई। मामला सजाते देखते हुए आदित्य ने लड़के पक्ष से गांव वाले के सामने बात की, जिस पर हिंदू रीति रिवाज से विवाह करने पर लड़की को अपनाने की बात लड़के पक्ष द्वारा स्वीकार की गई, किंतु लड़की पक्ष द्वारा ब्याह पर पैसा आदि खर्च की व्यवस्था न होने की असमर्थता जाहिर की गई, जिस पर आदित्य श्रीवास्तव ग्रामीणों ने पूरा खर्च उठाते हुए राम जानकी मंदिर में धूमधाम से विवाह कर पिछड़े जोड़े को मिलाया। इस दौरान सरदार फतेह सिंह, सुधांशु, जयप्रकाश, हरिशंकर, उदय, दुर्गेश, अवधेश, ब्रिजेश, राहुल, रामावती सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मंडल महाराज का महामंत्री। क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम एक शादी है, लड़की की शादी करवा रहे। पूरा मामला क्या? मामला ऐसा है कि एक लड़की हमारे मेरे गांव की रहने वाली थी, वो एक लड़के से पहले से उसका कुछ चक्कर चल रहा है, तो ये लड़की भाग के गई लड़के वाले से। लड़के ने स्वीकार किया, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर के उसने कहा कि ऐसा है तुम अपने घर जाओ और अपने घर वालों से बात करेंगे तो उसके बाद शादी करेंगे। जब ये लड़की के घर वाले रखने को तैयार नहीं थे, लड़की के माँ बाप अपने घर पे रखने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर हमने लड़की वालों से बात की, तो उनके माँ बाप ने कहा ऐसा है लड़की चली गई, अब अपने हम चौखट पर उसको नहीं लाए। तो लड़के वालों से बात, तो लड़के वालों ने कहा भैया मेरी भी कोई इज्जत है और अगर हम बहू बना के लाएंगे, चार लोग बेचेंगे तो मेरी भी इज्जत बन जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, इस लड़की को अपने घर ले जा रहे हैं, वो अपने घर में रखा हुआ दो दिन, उसके बाद आप राम जानकी मंदिर में आकर के इसकी शादी संपन्न करवाई और इसके माँ बाप दोनों पक्ष खुश हैं और ये हमने ऐसा किया जिससे कि एक सामाजिक स्तर बने और इसका एक अच्छा संदेश जाए।